अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप में से बहुत सारे बच्चे, इवन सभी बच्चे मुझे यहाँ से डेट शीट उठा के लाते हैं, फिर मुझे भेजते हैं कि बोलते हैं ये रियल है या फेक है। सच्ची में बता रहा हूँ, अब मैं थक गया लोगों को ये बोल के कि ये फेक है। इवन मैंने ग्रुप्स में भी एक वॉइस नोट डाला था इसी के रिगार्डिंग, लेकिन अभी मेरे पास आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग योर डेट शीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो डेट शीट जो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये टोटली फेक है। अभी कोई डेट शीट नहीं आया है, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, या चाहे 12th का हो, किसी का भी डेट शीट अभी तक जेके बोस ने रिलीज नहीं किया है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बोला था, इसी आपको लगे कि कोई ऐसा डेट शीट आ रहा है तो उसी टाइम क्या किया करे, jkbose.nic.in पे जाओ, वहाँ पे डेट शीट का सेक्शन है, वहाँ पे चेक किया करो कि क्या सच में जेके बोस ने डेट शीट रिलीज किया भी है या नहीं। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने ये 1000 बार बोल दिया है, लेकिन अभी ही मैंने जेके बोस ऑफिशियल से बात करी है, उन्होंने मुझे ये बोला, देखो हमें पता है कि पिछले साल आपका जो डेट शीट है वो 2nd week of Feb में आया था। ठीक है, या अगर हम उससे पहले भी बात करें, जेके बोस डेट शीट कब निकालता था, वो निकालता था 15 से 20 दिन पहले आपके एग्जामिनेशन के। ठीक है, लेकिन इस बार जो मुझे जेके बोस ऑफिशियल ने अपडेट दी है वो ये है कि आपका जो डेट शीट है बहुत ही जल्द आने वाला है। मैं ये बता सकता हूँ, मे बी वो फेब का भी वेट ना करें, उससे पहले भी आने के चांसेस है। उन्होंने मुझे ये बोला कि हमारे एंड से डेट शीट रेडी है, हमने अप्रूवल के लिए भी दे दिया है डेट शीट। ठीक है, तो समझ सकते हो मैं किन से इस चीज के बारे में पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बोला हमारे एंड से हमने तो रेडी करके रखा है डेट शीट और हमने अप्रूवल के लिए भी दे दिया है डेट शीट। ठीक है, चाहे 10th, 11th, 12th तीनों क्लासेस का डेट शीट रेडी है, वो उन्होंने अप्रूवल के लिए भी दे दिया है। तो एज पर हिम, जिनसे मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बोला विद इन अ वीक आपका डेट शीट आ सकता है एनुअल रेगुलर का। सो लेट्स सी क्या होता है, आपका डेट शीट कब आता है। तो उन्होंने बोला हम इस बारी में भी फेब का भी वेट ना करें, हम जान में ही इनका जो डेट शीट है वो रिलीज कर दें। बाकी देखो, आप जो स्टूडेंट्स हो ना, देखो डेट शीट आना इज लाइक आपको पता चले कि पहला पेपर कौन सा है, दूसरा पेपर कौन सा है, तीसरा कौन है, मतलब कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो चीज तो आपको पहले से पता है एज पर एकेडमिक कैलेंडर, कब से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, कब से नहीं होगा। ठीक है, बस डेट शीट से आपको क्या पता चलेगी कि कौन सा पेपर पहले है, कौन सा फिर बाद में, मतलब किस किस डेट को कौन सा पेपर है। राइट, तो आपकी जो पढ़ाई पे है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए अब डेट शीट की वजह से, बिकॉज आपको इस टाइम में जो आपके 2 महीने या 1.5 महीना बचता है, इसमें आपको तब भी सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है, मतलब सभी सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें ये नहीं कि अब आप 1 महीने बस पहला पेपर पढ़ लो। राइट, आई होप कि जो उन्होंने बोला उसी हिसाब से डेट शीट निकले, मतलब बहुत ही जल्द आपका डेट शीट निकले। सो मुझे यही अपडेट देनी थी आप सभी बच्चों को। बाकी जैसे ही डेट शीट निकले ना, देखो मेहरबानी करके मुझे ऐसे डेट शीट्स मत भेजो ये फेक वगैरह। देखो जैसे ही डेट शीट आए, अब jkbose.nic.in वेबसाइट चेक करें, वहां पे स्टूडेंट सेक्शन में आपको डेट शीट का अलग से सेक्शन मिलेगा, वहां पे चेक करो, वहां पे लास्ट का डेट शीट कब उन्होंने रिलीज किया है, वहां पे साइड में ही डेट होती है। अगर उन्हें रिसेंट डेट होगी तो देन आपका डेट शीट रिलीज कर दिया गया है, अगर नहीं होगा देन वो चीज जो आप देख रहे हो वो फेक है। ठीक है, और जैसे ही डेट शीट आएगा मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। सो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।